सैल्यूट वैसे तो किसी भी शख्स द्वारा दूसरे शख्स को सलाम करना, अभिनंदन करना और अभिवादन करना है, लेकिन सेना की विभिन्न सेवाओं जैसे थल सेना, नौसेना और वायु सेना में इसके अलग अलग अर्थ और संदर्भ हैं। सेना की अलग अलग सेवाओं में दी जाने वाली सैल्यूट आपको एक जैसी लग सकती है, लेकिन इनमें काफी फर्क होता है। आप हमारी सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सैल्यूट के तौर तरीकों को जानकर समान रूप से अचंभित और गौरवान्वित होंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये सफर। इंडियन आर्मी, खुले पंजों से सामने वाले को सैल्यूट करना। हम सभी ने आर्मी के अफसरों और जवानों को कहीं ना कहीं सैल्यूट करते देखा ही होगा। वे खुले पंजों से और दाहिने हाथ से सैल्यूट करते हैं। सभी उंगलियां सामने की ओर खुली हुई और अंगूठा साथ में लगा हुआ। यह अपने से सीनियर के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है। साथ ही ये भी बताते हैं कि अगले के हाथ में किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं है। इंडियन नेवी, खुली हथेली जो जमीन की ओर इंगित होती है। इंडियन नेवी में सैल्यूट के लिए हथेली को सिर की तरफ इस तरह रखा जाता है कि हथेली और जमीन के बीच 90 डिग्री का कोण बने। इस सैल्यूट के पीछे एक बड़ी वजह नेवी में काम करने वाले नाविकों और सैनिकों की गंदी हथेलियों को छिपाना है। दरअसल जहाज पर काम करने की वजह से कई बार उनके हाथ ग्रीस और तेल से गंदे हो जाते हैं। इंडियन एयर फोर्स, खुली हथेली जो जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। साल 2006 के मार्च महीने में इंडियन एयर फोर्स ने अपने जवानों के लिए सैल्यूट के नए फॉर्म तय किए। वे अब कुछ इस तरह सैल्यूट करते हैं कि हथेली जमीन से 45 डिग्री का कोण बनाती है। इसे आर्मी और नेवी के बीच का सैल्यूट कहा जा सकता है। हालांकि इससे पहले एयर फोर्स के सैल्यूट का तौर तरीका भी आर्मी के ही तरह था। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि सैल्यूट करते समय बैरेट या टोपी पहनना किसी भी सैन्य अधिकारी के लिए न्यूनतम शिष्टाचार माना जाता है, और हम आप इसे अब तक एक प्रतीकात्मक संकेत मानते रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और हमारे चैनल द राइज ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।